और हमारे बच्चे बहुत डर के कारण वो रात में सोते नहीं है और हम भी नहीं सोते सर। रात में ऐसा लगता है हमको जैसे आसपास से पानी आकर हमारे घर में घुस जाए तो हम मर जाएंगे कि हमारे बच्चे मर जाए। हमको नींद नहीं आती सर रात में, और हमारे खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं है। जल समाधि लेंगे सर, क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ उपाय नहीं है। आप रुंधे गले से अपनी कहानी कह रही इस महिला की छोटी सी बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरह के कष्ट में अपना जीवन बिता रही है। और ये कष्ट सिर्फ इसका ही नहीं है, बल्कि मंडला के बिरसा गांव की ऐसी सैकड़ों बहनें और उनका परिवार दिन रात रो रो कर अपना वक्त काट रहे हैं। दरअसल ये लोग हेलोन बांध परियोजना के विस्थापित हैं। इनका आरोप है कि सरकार ने बांध बनाते समय भेदभाव पूर्ण विस्थापन किया और लोगों की खेती की जमीन तो अधिग्रहित कर ही ली गई, लेकिन उनके मकानों को अधिग्रहित नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है और पूरा गांव भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और तो और जलभराव की वजह से गांव में शमशान भूमि तक नहीं बची और लोगों को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं उनके घर कभी पानी की चपेट में ना आ जाएं। समस्या सर, जो हमारे गांव में हलौन बांध का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 150 परिवार का गाँव था, जिसमें से जिनकी सब लगभग 700 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, पूरी जमीन अधिग्रहण कर लिया, खेती की एक इंच जमीन नहीं है किसी के पास, सिर्फ मकान भर बचा दिया गया है। इसके लिए हमने और सुनने में आया कि शमशान की भूमि, शमशान की भूमि नहीं है ना, एक आधा एकड़ नहीं है गाय बछिया खड़े करने का, माने किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मकान भर की जमीन है, बस मकान बना हुआ है मात्र, बाकी पूरा और लग और पानी, हमने नक्शा भी हम दिखा दिए हैं उनको, IRT से नक्शा निकलवाया गया है कि आप माने नक्शा भी देख लीजिए पोजीशन कि किस टाइप से गांव माने पानी से घिरा हुआ है। इन हमारा ये कहना है कि हमें सरकार क्यों मजबूर कर रही है इस पानी के अंदर में रहने को। हम आज 7 साल हो गए पूरा, हमारे माननीय पंडित सिंह धुर्वे आए, पहले विधायक थे जो, वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया, हमारे सांसद महोदय 2 बार आके यहाँ पे निरीक्षण किया और हमें आश्वासन दिया गया कि हमारे गांव का पूरा विस्थापन कराएंगे। उसके बाद हमने 19 के लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने डिंडौरी से भागते हुए हमारे पास आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके गांव का हम विस्थापन कराएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी भी, हमारे 2 कलेक्टर महोदय भी बिरसा आ चुके, उन्होंने भी चौपाल लगाया, उन्होंने भी आश्वासन दिया और वो तुम्हारे गांव को पूरा विस्थापित किया जाएगा आज। और 2018 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने बिछिया जन आशीर्वाद में आकर के बिरसा गांव को पूरा विस्थापित करने की घोषणा की। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहे हैं कि आज पूरा 5 साल हो गया, हमारे मांग को क्यों सुना नहीं जा रहा है और इनके अंदर रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। हम कुछ विरोध थोड़ी कर रहे हैं सर, हम जब हमने 700 एकड़ जमीन दिया तो एक छोटा सा मकान लेने में उनको क्या दिक्कत हो रही है। हमारा अब ये मांग है, यदि आप हमारे मकान को अधिग्रहण नहीं करते तो आप हमें हमसे 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा वापिस लीजिए और हमारी जमीन को तुरंत खाली कीजिए, हमारा जमीन नहीं डूबना चाहिए। यदि आप हमारी जमीन को डुबाते हैं तो हमारे मकान को आपको लेना पड़ेगा, नहीं आप हमसे मुआवजा वापस कीजिए। लिस्ट बनाइए पूरे गांव का, किस किस की जमीन गई है, सबसे 80,000 लेके हमारी जमीन का रजिस्ट्री पुनः करें हमारे नाम से। सर पहला तो हम अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी समस्या, हमारा ये कहना है कि आपने तो घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी महोदय, तो आपको यहाँ हमारे गांव के विस्थापन करने का आदेश में कितना समय लगेगा, आपको कर दीजिए आप हमारे गांव का विस्थापन। हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप हमारे गांव का पूर्ण विस्थापन कराइए। आंशिक चल रहा है सर, यदि हम हमारे यदि आचार संहिता के पहले हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम फिर पूरा पूरे गांव का जल माने सत्याग्रह करेंगे, सब बच्चे से लेके पूरे महिला पुरुष सब मिलके हम जल सत्याग्रह करेंगे। कई जगह न्याय की गुहार लगा चुके इन लोगों को आश्वासन तो खूब मिला लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। जबरन अभी जल सत्याग्रह के साथ चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं, इन्हें उम्मीद है कि अब तो कोई इनकी बात सुनेगा ही सुनेगा। पंजाब केसरी के लिए अरविंदर सोनी की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।